बुद्धं शरणं गच्छामि। कौन सा व्यक्ति बुद्धमान कहलाता है, या हम कैसे व्यक्ति को बुद्धमान कहते हैं, या फिर हम सबसे अधिक कैसे व्यक्ति को बुद्धमान समझते हैं? दोस्तों, बुद्ध भगवान के अनुसार बुद्धमान व्यक्ति वह नहीं होता जो अच्छे अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़कर के बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेता है और फिर अपने जीवन यापन के लिए किसी भी क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, बल्कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपने आसपास के लोगों एवं समाज के किसी भी वर्ग के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, करुणा की भावना रखता है। मगर दोस्तों, क्या इंसान बुद्धिमान शुरू से होता है? इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम बुद्ध भगवान की एक कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य एक बार बुद्धिमान व्यक्ति के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे सब आपस में चर्चा करके जानना चाहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति के उत्तम गुण कौन से होते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पर भगवान बुद्ध के शिष्यों ने काफी वार्तालाप किया, फिर भी आपस में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। बुद्धिमान किसे कहते हैं वह समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके अनुसार जो व्यक्ति ज्यादा होशियार हो उसको बुद्धिमान न समझें। और जब इन शिष्यों ने बुद्धिमान किसे कहते हैं इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, तो थक हार कर वह भगवान बुद्ध से इस सवाल का जवाब जानने के लिए उनके पास पहुंचे और सभी शिष्यों ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, हम कैसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझें? भगवान अपने शिष्यों का ऐसा सवाल सुनकर मंद मंद मुस्कराए और फिर उनको समझाते हुए बोले कि भिक्षुओं, बुद्धिमान वह व्यक्ति होता है जिसके गुण अच्छे होते हैं। मैं बताता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति के गुण कौन कौन से होते हैं और सारे के सारे भिक्षुओं इन गुणों के बारे में ध्यान से सुनिए। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने रहस्य को कभी किसी दूसरे को नहीं बताते हैं। यानी कि दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का रहस्य कभी किसी के सामने नहीं खोलते हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह कल मेरा बड़े से बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग अपने राज, अपनी कमजोरियां और अपनी निजी बातों को कभी किसी दूसरे को नहीं बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इस संसार में ज्यादातर लोग अपने मन की ही बातें करते रहते हैं, अपने घर के रहस्य दूसरों को बताते रहते हैं,
जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। जिन बातों को उन्हें बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए था, लेकिन वे नहीं मानते। अपनी आदत बस वे अपनी गुप्त बातों को आसपास के लोगों, पड़ोसियों एवं दोस्तों को बताते रहते हैं। दोस्तों, लेकिन जब ऐसे व्यक्तियों का बुरा समय आ जाता है तो ऐसे धोखेबाज लोग उनके साथ धोखा करते हैं और उन्हें जीने नहीं देते हैं, और फिर धोखा खाने के बाद ये लोग उन लोगों को दोषी ठहराने लगते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति समाज में हर किसी इंसान से बातें करता है। उसकी सोच ऐसी होती है कि वह सोचता रहता है कि कमजोर लोगों को भी विद्वान बनने के लिए अच्छी से अच्छी बातें सीखने को मिलनी चाहिए, और ऐसे लोग उस विद्वान व्यक्ति से कुछ सीख सकें। वे सोचते हैं कि सभी लोगों को सब कुछ अच्छा सीखने का मौका मिल सके और अपने जीवन में उन्नति कर सके। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति विफल लोगों से भी बात करते हैं, और विफल लोगों से बात करके वो जानना चाहते हैं कि लोगों को विफलता क्यों मिल रही है, और वे उनकी विफलताओं के कारण से कुछ सीखते हैं। और वास्तव में ये सब जीवन में सीखने लायक ही तो है, क्योंकि वास्तव में अगर कोई यह पता लगा सकता है कि किस वजह से विफलताएं मिलती हैं, तो वह बुद्धिमान व्यक्ति इंसान के जीवन की विफलताओं के सच्चे कारण को जान जाता है, और फिर वह सच्चे ध्यान से उन विफलताओं के कारण को नष्ट करने की कोशिश करने लगता है, और ऐसा करने से एक समय अवश्य ही आ जाता है जब वह विफलताओं के कारण को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह अपने उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति का एक और अच्छा गुण। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति जब कोई कार्य करने चलता है तो वह अपने उस काम के बारे में किसी भी दूसरे व्यक्तियों को नहीं बताता है, और अपने काम को पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर पूरी लगन और श्रम से पूरा करता है। जबकि कुछ लोग अपने कार्य को करने से पूर्व ही पड़ोसियों एवं समाज के दूसरे लोगों को चिल्लाने लगते हैं, डींगे हांकते हैं कि हम तो ये काम करने जा रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम है। दरअसल ऐसी डींगे मारते मारते वह अपने काम करने के तरीकों और अपने लक्ष्य को बिल्कुल भूल जाता है, और फिर वह ठीक से अपने कार्य को पूरा ही नहीं कर पाता है। इस तरह से वह व्यक्ति अपने कार्य में विफलता पाता है। इस तरह उसे जीवन में अपने कार्य के विफल हो जाने से बहुत बड़ी निराशा हासिल होती है, जबकि
बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य को करने के सही तरीकों को अपनाते हैं और पूरी लगन, मेहनत और श्रद्धा से अपने कार्य को करते हैं। वे अपने कार्य के बारे में किसी से उचित अनुचित बातें बिल्कुल नहीं करते हैं और इस तरह से उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बाद में उन्हें बहुत अच्छा उत्तम लक्ष्य भी प्राप्त होता है और वह समाज के लोगों से वाहवाही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में ऐसे लोगों को भी बिल्कुल नहीं बताते हैं जो कि उनके इस काम में बिल्कुल भी हिस्सा ना बंटवाने वाले हों। वह सोचता है कि इनका मेरे कार्य में कोई हिस्सा नहीं है, फिर तो ये हमारे कार्य के बारे में जानकर हमारी कोई सहायता भी नहीं करेंगे और फालतू में ही मेरे काम में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी को भी अपने कार्य और अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। निश्चिंत होकर अपने कार्यों को सफल तरीके से करके उन्नति करते हैं और सबकी वाहवाही लूटते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा गुण, दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति समाज में फैली हुई अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और न ही किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। ये अपनी मन और बुद्धि से चीजों की सच्चाई को परखते हैं और समाज में फैली अफवाहों की गहराई में जाकर सच्चाई को पता करने की कोशिश करते हैं। ये चीजों की गहराई में जाकर सच्चाई को परखते हैं और अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके अफवाहों की सच्चाई को जान लेते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी इंसान कितनी भी मीठी मीठी बातें करके फुसलाने की कोशिश करे लेकिन फुसला नहीं सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले की बातों पर तब तक भरोसा नहीं करता जब तक उसकी बातों में उसे कथनी और करनी में एकदम समानता नजर नहीं आती है। दोस्तों, आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, क्योंकि वह केवल तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह जो कुछ देखता और सुनता है वह हमेशा उन्हीं बातों पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। वह लोगों के बारे में जो कुछ अपनी आंखों से देखता है और जो कुछ अपने कानों से सुनता है उन्हीं पर भरोसा करता है। ऐसे लोगों को धोखा मिलने की कम संभावना होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत विद्वान होते हैं, यानी कि बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवा गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समय से अपने कार्य को पूरा करते हैं, क्योंकि वे समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वे जानते हैं कि समय ही एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा सीमित है, इसलिए वे
अपने कार्यों की एक सूची बनाकर रखते हैं और अपने हर काम को समय के अनुसार पूर्ण करते हैं और इस तरह अपने कार्यों को सर्वोच्च तरीके से पूर्ण करके जीवन में सफलता पाते हैं और सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाते हैं। तो दोस्तों, बुद्धिमान मनुष्यों के गुणों की चर्चा वाला यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, साधु साधु साधु।